हैं, स्पेशली ड्रेसिंग के लिहाज से. सो इंशाल्लाह ड्रेसिंग का तो अभी मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती, पर नेक्स्ट टाइम बताऊंगी. लेकिन ये है कि शो के बारे में ये ज़रूर कहना चाहूंगी किस तरह के शोज़ होने चाहिए जिसमें फैमिली लड़कियां सब आए. थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय. पर्शियन में भी बोल रही है ये चीज़ फारसी. एक मिनट एक मिनट. इट वॉज रियली गुड. और ये जो है सैम साबरी साहब की शो है, तो इस तरह के शोज होने चाहिए. बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम ईरान बट आई वॉज लिविंग इन इस्लामाबाद. तो कल्चर के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूँगी कि लाइक पाकिस्तान और ईरान के कल्चर्स थोड़े से डिफरेंट हैं, स्पेशली ड्रेसिंग के लिहाज से. सो इंशाल्लाह ड्रेसिंग का तो अभी मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती, पर नेक्स्ट टाइम बताऊंगी. लेकिन ये है कि शो के बारे में ये ज़रूर कहना चाहूंगी किस तरह के शोज़ होने चाहिए जिसमें फैमिली लड़कियां सब आए. थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय. पर्शियन में भी बोल रही है ये चीज़ फारसी. एक मिनट एक मिनट. इट वॉज रियली गुड. और ये जो है सैम साबरी साहब की शो है, तो इस तरह के शोज होने चाहिए. बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम ईरान बट आई वॉज लिविंग इन इस्लामाबाद. तो कल्चर के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूँगी कि लाइक पाकिस्तान और ईरान के कल्चर्स थोड़े से डिफरेंट हैं, स्पेशली ड्रेसिंग के लिहाज से. सो इंशाल्लाह ड्रेसिंग का तो अभी मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती, पर नेक्स्ट टाइम बताऊंगी. लेकिन ये है कि शो के बारे में ये ज़रूर कहना चाहूंगी किस तरह के शोज़ होने चाहिए जिसमें फैमिली लड़कियां सब आए. थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय. पर्शियन में भी बोल रही है ये चीज़ फारसी. एक मिनट एक मिनट. इट वॉज रियली गुड. और ये जो है सैम साबरी साहब की शो है, तो इस तरह के शोज होने चाहिए. बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम ईरान बट आई वॉज लिविंग इन इस्लामाबाद. तो कल्चर के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूँगी कि लाइक पाकिस्तान और ईरान के कल्चर्स थोड़े से डिफरेंट हैं, स्पेशली ड्रेसिंग के लिहाज से. सो इंशाल्लाह ड्रेसिंग का तो अभी मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती, पर नेक्स्ट टाइम बताऊंगी. लेकिन ये है कि शो के बारे में ये ज़रूर कहना चाहूंगी किस तरह के शोज़ होने चाहिए जिसमें फैमिली लड़कियां सब आए. थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय. पर्शियन में भी बोल रही है ये चीज़ फारसी. एक मिनट एक मिनट. हेलो.